मोर विनंदन भय भंजन असुर निकंदन बर्बरिक नाम विष्णु अवतारा मानव हिते मनुज तन धारा जय हो खाटू वाले श्याम सबसे बड़ा है तेरा नाम भक्त जनों के तुम हो प्यारे बलबो दी विद्या के ज्ञानी जय हो तेरी शीश के दानी जय हो तेरी तीन वाण धारी नीले घोड़े पे करते सवारी मोर मुकुट मस्तक पे साजे खाटू में प्रभु आप विराजे विश्वपति जय भुवन पसारा जिसने श्याम स्वरूप निहारा भव से पाया वो छुटकारा एकादशी को जो दर पे जाते भव समृद्धि पाते भक्तों की खाली झोलियां भरते सबकी मुरादें पूरी करते महाभारत की हुई तैयारी बर्बरिक अति बलशाली जिसका वार न जाता खाली नीले घोड़े पे चढ़ के आए पल झपकत में प्रलय मचाऊं दोनों दल को मार गिराऊं तीनों बाण मैं यदि चलाऊं बर्बरिक को घबराए श्री कृष्ण जी सन्मुख आए बोले वीर परिचय बतलाओ अपना कर तब तो दिखलाओ हे वीर तुम लक्ष्य तो भेदो पेड़ के सभी पत्तों को छेदो बोल के मधुसूदन मुस्काए एक पत्ता दबाए बाण चलाए बर्बरिक पत्तों में किए छेद श्री कृष्ण के पांव तले पत्ते को दिया भेद श्री कृष्ण ने किया विचार कौरों की निश्चित है हार हारे का ये सहारा बनेगा बर्बरिक ने है ठाना मुश्किल है इसे जीत पाना सत्य की हो जाएगी हार शीश मांगे बर्बरिक से दान शीश दान दिए वीर महान शीश को अमृत से नहलाए कृष्ण जी दिए वरदान तेरी पूजा हो मेरे समान लोग कहेंगे तुमको श्याम कृष्ण दे दिए अपना नाम जय जय माधव मदन मुरारी जय हो गोवर्धन गिरधारी महिमा मिट अपार तुम्हारी दीनन के दुख हरते श्याम अनधन से घर भरते श्याम जो भी इस दुनिया से हारा उसको श्याम ने दिया सहारा निर्धन को धनवान बनाते भक्त के घर खुशियां लौटाते भक्त के पूरे करें अरमान इस कलयुग के कृष्ण है श्याम जो भी भजता श्याम का नाम वो राधे का दर्शन पाता मानव जीवन सफल हो जाता कृष्ण रूप में दर्शन देते भक्तों के संकट हर लेते कृष्ण श्याम में किए प्रवेश गुण मास शुक्ल पक्ष आया एकादश तिथि श्याम को भाया धर के देवी माँ का ध्यान महाभारत संपन्न हुआ कटा शीश मुस्काए रूपवती नदी में कृष्ण ने शीश को दिया बहाय बहुत पुरानी है ये बात कलयुग
की हो गई शुरुआत, एक गाय जब चरने जाए शाम का दबा था नीचे, गाय दूध से शीश को सींचे, जगह को जब राजा खुदवाया ब्राह्मण को शीश सौंपे राजा, ब्राह्मण निस दिन करता पूजा, राजा को एक दिन सपना आया, मंदिर बनवाओ स्थापित मेरा शीश कराओ, राजा ने मंदिर बनवाया जिसमें श्याम का शीश बिठाया, राजा रूप सिंह चौहान करवाए मंदिर निर्माण, फाल्गुन तिथि एकादशी आई खाटू में पड़ी श्याम के पांव, धन्य हो गया खाटू गांव, एकादशी को लगता मेला जहां से निकला श्याम का शीश, वहां श्याम देते आशीष, श्याम कुंड है जिसका नाम, श्याम के दर पे जो भी जाते हरी बाजी जीत के आते, सुबह हो शाम जब श्याम का नाम, उसके मिटते कष्ट तमाम, श्याम नाम का करते जाप भस्म हो जाते सारे पाप, खाटू श्याम का करते दर्शन जिसके सर पे श्याम का हाथ, पूरी दुनिया उसके साथ, श्याम हरे श्री श्याम हरे, भक्तों के भंडार भरे, खाटू वाले दरबार से जाए न भक्त निराश, दुनिया के सभी सुख मिले आए जो तेरे पास, दीन दुखियों के तुम हो दाता, तेरा नाम जगत विख्याता, जो भी आए तेरे द्वार सुखी रहे उसका परिवार, सारे जग के पालनहार श्याम है, सबके तारनहार, सबके बिगड़े भाग्य संवारे, दिन धरे जो श्याम का ध्यान, श्याम उसका करते कल्याण, कष्टों का करते हैं नाश, रहते भक्तों के पास, जीवन मंगलमय करते हैं, सारे संकट प्रभु हरते हैं, सुर नर मुनि तेरे गुण गाते, दर्शन पाके धन्य हो जाते, खाटू में तुम जब से आए, खाटू को निज धाम बनाए, मधुर मनोहर अति मन भावन, खाटू नगरी हो गई पावन, तेरा है दरबार निराला, सारी खुशी बरसाने वाला, हसे नाव जो बीच मझदार, बन जाते हो पतवार, जीवन की नैया के खेवैया, श्याम तुम्ही हो कृष्ण कन्हैया, करूं तेरा कर जोड़ के बंदन, जय हो तेरी मोर विनंदन, तेरी चरण धूली जो पाते वो कंकड़ हीरा बन जाते, मुझ पर कृपा करो हे श्याम, बना दो मेरे बिगड़े काम, श्याम दो चरणों में स्थान, मेरा भी कर दो कल्याण, मूरख हो विद्वान बनाओ, श्याम बाबा कृपा बरसाओ, संजय की बस यही है अर्जी, आगे बाबा तेरी मर्जी, श्याम बाबा मुझे भूल न जाना, भक्तों से कभी दूर न जाना, विनती मेरी भी सुन लो खाटू वाले श्याम, हर ग्यारस को चल करके आऊं तेरे दार।